नोएडा के धनकौर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। बॉयफ्रेंड से शादी करने से रोका तो बेटियों ने घर वालों को ही दे दिया जहर। इसमें माँ भी थी शामिल। बेटी बॉयफ्रेंड सहित धनकौर पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। जैसा आप सभी को मालूम हो, सोमवार की घटना है ये, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी, जिसमें नशीला पदार्थ देकर कई लोग फरार हो गए। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में देखें क्या कहते हैं एडिशनल DCP विशाल पांडे जी। थाना धनकौर अंतर्गत कल जुनैदपुर गांव में एक ही परिवार के 4 लोग नशे की हालत में मिले थे, जिनको तत्काल पुलिस द्वारा उपचार हेतु जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सभी लोगों की स्वास्थ्य में सुधार है, वो खतरे से बाहर हैं। इस पूरे घटनाक्रम में उनके परिवार के बहू के द्वारा ही सब्जी में नशीला पदार्थ दिया गया था। इसमें 2 टीमें लगाई गई थी। दोनों टीमों द्वारा अथक परिश्रम करके इन सभी लोगों को, जो लोग भागे हुए थे, बरामद इनको कर लिया गया है, जिसमें उस परिवार की बहू, उसके बच्चे और साथ ही इस परिवार की बहू, उसकी 2 बेटियां और दोनों बेटियों के प्रेमी, जो इस पूरे घटनाक्रम में, इस षड्यंत्र में शामिल थे, जिन्होंने नशीला पदार्थ दे करके उनको जान से मारने की कोशिश की थी, इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है।